जय श्री श्याम बच्चों। तो जैसे कि आप सबने देखा कि जून 2023 का एग्जामिनेशन बहुत अच्छा गया बच्चों का, बट काफी सारे ऐसे बच्चे भी थे जो कह रहे थे कि सर पेपर लेंदी है, पेपर टफ आया था, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या करें नहीं करें। तो आज बताने वाला हूं बच्चों मैं प्रिपरेशन स्ट्रेटजी फॉर नॉन मैथ्स बैकग्राउंड स्टूडेंट्स। ठीक है, मैं ऐसे कुछ चैप्टर्स बोलूंगा, उतने मात्र अगर चैप्टर्स आप ढंग से करके जाते हैं बच्चों तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि 80 मार्क्स तक आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं। कितना? 80 मार्क्स तक, और वो भी किसके लिए बता रहा हूं? नॉन मैथ्स बैकग्राउंड बच्चों के लिए। तो ध्यान से वीडियो को आखिरी तक देखना और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करना। तो चलिए बात करने वाला हूं मैं प्रिपरेशन स्ट्रेटजी की। अब बच्चों यहां पर ध्यान रखना कि आप लोग को कई सारे ऐसे चैप्टर हैं जो मुश्किल लगते हैं, क्योंकि सर क्लास 11 12th में हमारे पास मैथ्स नहीं था, हमें दिक्कत होती है। तो मैं अगर बात करूं मोटा मोटी बच्चों, आपको पता है जो पेपर होता है आपका मैथ्स स्टैट एलआर का, ये 100 मार्क्स का होता है कि नहीं है? 100 मार्क्स का ये आपका टोटल पेपर होता है। अब इसमें कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनके पास मान सकता हूं कि हाँ भाई 11 12th में क्या नहीं था, मैथ्स नहीं था। तो बच्चों आप लोग ये कुछ चैप्टर्स छोड़ दो। सबसे पहले मैं आ रहा हूं मैथ्स की बात कर रहा हूं। मैथ्स के अंदर आप लोगों ने छोड़ देना है क्या? सर परमुटेशन, ठीक है, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ये चैप्टर नहीं करने की जरूरत है, मत करिए। ठीक है सर, दूसरा क्या? कैलकुलस वाला पार्ट, वो आप लोग छोड़ दो। ठीक है, वो आपको करने की जरूरत नहीं है 11 12th में जिनके पास मैथ्स नहीं था। तीसरा सर कौन सा? सेट्स। ठीक है, सेट्स रिलेशन फंक्शन जो है ये वाला आप छोड़ दें। तो मैथ्स के अंदर ये आप लोगों ने नहीं करना है। ठीक है, ये आप छोड़ दें चैप्टर्स। अब स्टैट के अंदर आ जाओ बच्चों। स्टैट के अंदर अगर मैं बात करूं तो स्टैट के अंदर आप लोगों ने प्रोबेबिलिटी करने की जरूरत नहीं है। और एक चैप्टर ले लेता हूं मैं, थ्योरिटिकल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, इसे भी करने की जरूरत नहीं है। अगर ये सारे चैप्टर आप नहीं करते हैं, फिर भी बच्चों आपके कितने आ सकते हैं? फिर भी आपके आसानी से अगर मैं बात करूं तो आसानी से आप 80 मार्क्स ला सकते हैं, 80 मार्क्स। ठीक है, और इस 80 मार्क्स के अंदर सर कौन कौन से चैप्टर होने? ये चैप्टर कहीं ना कहीं आप लोगों ने क्लास 10th तक या तो 7th 8th 9th 10th में किए होंगे, बस वही चैप्टर है। बस थोड़ी सी उसमें जोर लगाना है, थोड़ी सी और मेहनत करनी है, आराम से कर लोगे। ठीक है, तो 80 मार्क्स के अंदर देखो ये आपका मैथ्स की अगर बात करूं तो आपने करना है बच्चों रेशियो, प्रोपोर्शन, इंडिसेस या लॉग। लॉग के ऊपर बहुत कम क्वेश्चन पूछा जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद टाइम वैल्यू ऑफ मनी सर, उसके बाद आ जाओ क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत इजी आता है इससे भाई, है ना, लीनियर इनइक्वालिटीज, ये आप लोग कर लीजिए। ठीक है, तो मैथ्स के अंदर आप लोगों ने ये चीज करना है, इसको नहीं छोड़ना है बिल्कुल। अच्छा, इसके अंदर एक चैप्टर ये कर ले, बहुत ईजी होता है ये, एपी एंड जीपी। ठीक है, सीक्वेंस एंड सीरीज का, ये आपने 10th में भी कर रखा है, सिर्फ जीपी का पोर्शन आपको जानना है, इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद बच्चों स्टैट की बात करूं मैं तो स्टैट के अंदर तो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्जन हो गया आपका, फिर सर इसके बाद आपका आ गया कोरिलेशन एंड रिग्रेशन वाला पार्ट। ठीक है बच्चों, उसके बाद आ जाओ बच्चों इंडेक्स नंबर, और आखिरी में आ जाओ आप लोग स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा। ठीक है, स्टैट के अंदर ये सारे करने हैं, बहुत सिंपल है, आराम से निकाल लोगे। उसके बाद आ जाओ एलआर वाले पार्ट में, एलआर वाले पार्ट में आपका क्या क्या आ जाएगा सर? इसके अंदर आपका ब्लड रिलेशन, ठीक है, ये आपने करना है ब्लड रिलेशन। उसके बाद आ गया आपका नंबर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, ये सारे आसान से पूछे जाते हैं। ठीक है, प्रैक्टिस करने हैं, मतलब अच्छे से करने, मतलब कर सकते हैं आप लोग। उसके बाद आ जाओ मेरे बच्चों सीटिंग अरेंजमेंट, और आखिरी में है आपका एक क्या, डायरेक्शन टेस्ट। बस ये कर लेते हैं आप लोग तो 100% मैं कह सकता हूं क्या, पास है, 80 मार्क्स आ सकते हैं बच्चों ये करने पर। बट मेरी एक गुजारिश है आप लोगों से कि सबसे पहले
एलआर वाले पार्ट से स्टार्ट करें, क्योंकि अगर वो कर देते ना 20 नंबर का आपका कॉन्फिडेंस बिल्ट अप हो जाता है। उसमें आप लोग को क्या कोई कैलकुलेटर ट्रिक्स फ्रिक्स ये सब नहीं करना है, बहुत बड़ा कैलकुलेशन नहीं करना होता है। वो अगर आप हार्डली मैं 10 से 12 दिन अगर आप देते हैं ना, आराम से आपका एलआर हो जाएगा, कॉन्फिडेंस बिल्ट अप हो जाएगा। उसके बाद स्टैट पोर्शन पकड़ लो बच्चों, और उसके बाद जो मैथ्स के मैंने चैप्टर्स बोले हैं वो पकड़ ले। बाकी जिन चैप्टर को मैंने बोला कि नहीं करना है तो वो करने की जरूरत नहीं है। तो नॉन मैथ्स बैकग्राउंड के बच्चे भी 80 नंबर तक ला सकते हैं, है ना, सरप्राइज की चीजें। तो बिल्कुल इस बात को मानते हुए आज ही से अपनी जो प्रिपरेशन स्ट्रेटजी है तैयारी कर लीजिए बच्चों, अगर पास करना चाहते हैं तो। वीडियो पसंद आई होगी तो ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें। मिलते हैं और एक वीडियो के साथ बहुत जल्द, तब तक के लिए जय श्री श्याम।